जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। ऑफकोर्स तुसी न्यूज़ वेखते हो, जस पंजाबी वेखते हो, तुहानू पता ही होएगा इंडिया दे विच इन फार्म बिल्स नू लैके किन्नी कॉन्ट्रोवर्सी इस वेले चल रही है। ये कॉन्ट्रोवर्सी ना कि सिर्फ इंडिया दे विच बट अमेरिका दे विच भी सानू वेखन नू मिल रही है, बिकॉज ये काफ़ी सुनन नू मिल रहा है कि ये जो बिल्स हैं इंडिया दे फार्मर्स नू पंजाब हरियाणा दे किसानां नू अमेरिका वांगू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बिल्स कानून बनते हैं दैट इंडिया दे किसानां नू मौका मिलेगा कि वो एक इंटरनेशनल स्टेज पर जिस तरह अमेरिका दे किसान कंपेटिटिव हैं वो भी कंपेटिटिव होन, उन्हां लई होर रेवेन्यू जनरेट होएगा। बट इस चीज़ नू लैके बहुत वड्डे कुछ इशूज़ तुहाडे लई अज पेश करांगे इस प्रोग्राम दे विच। साडी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि जिथे पंजाब दे मसले आपां कवर करदे आं उत्थे पंजाब दे मसले NRIs नू किस तरह अफेक्ट करदे ते NRIs दा की परस्पेक्टिव है उहनां नू लैके। अज दे प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे कि US एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विच किस तरह की पॉलिसीज़ लागू हैगियां ताकि इत्थे दे किसान अमेरिकन फार्मर्स नू की सहूलतां ओ प्रोवाइड कर दे, किस तरह उन्हां नू कंपेटिटिव बनाया जांदा है। ते दूजे पासे ए जो पॉलिसीज़ हन एज इट स्टैंड्स इस वेले इंडिया दे फार्मर्स नू लागू हो भी सकदियां या नहीं, इन चीज़ां ते सारी डिस्कशन होएगी। ब्रेक तो उस पार्ट, तुसीं कित्थे ना जाओ, मिलदे आ छोटी जी ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत है, तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा। तो मुद्दा साडे कम्यूनिटी लई पंजाबियों लई अजकल सब तो वड्डा होर कोई नहीं हैगा किसानां नू छड्ड के पंजाब विच की तुसीं कह लो चर्चा हो रही है, किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, किस तरह की प्रोटेस्ट ऑपोजिशन हो रही है नवे इन फार्म बिल्स नू लैके, जिथे आपां पंजाब ते इंडिया दे रिएक्शन की गल करते हैं उत्थे सानू इत्थे यूनाइटेड स्टेट्स दे विच भी पुछना चाहिए है कि जिथे इन्ने ऐलान होए कि ये इंडिया दे नवे फार्म बिल्स यूनाइटेड स्टेट्स दी एग्रीकल्चर मॉडल नू फॉलो करन दी कोशिश करे, इहदे बारे थोड़ी जी विषय डिस्कस करते हैं। साडे नैक्सट गैसट सानू जॉइन करे कैलिफोर्निया तो, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर पुष्पिंदर पात्रा जो कि एक एग्रीकल्चर स्पैशलिस्ट हैं वक्वक अहुदियां ते इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स दे फेडरल स्टेट ते काउंटी लेवल दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल किन्ने सालां दे नाल काम कीता है। प्लीज वंस अगेन जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर पुष्पिंदर। पुष्पिंदर जी तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਸੀ ਡੇਵਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਟ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨ ਫੋਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਸ ਹਨ ਇਹ US ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਚੋ।
फार्मर तो हाले रेडी नहीं हैगा ना ये सारा कुछ करने में। गवर्नमेंट ने आप भी जिम्मेवारी तो समझी नहीं कि फार्मर को जिम्मेवारी देने तो पहले उन्होंने जी अपन जिम्मेवारियां पूरी करनिया सी वो तो उन्होंने कीतिया नहीं। उन्होंने फार्मर को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिता नहीं भी उन्हें किदा सैल करना, मार्केटा तो तैयार करके दितिया नहीं, क्वालिटी किदा मेनटेन करनी वो चीज़ा दितिया नहीं, पर उन्होंने कहता कि हम तुम आपका प्रोडक्ट अपने आप सैल करो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? जी जी पुष्पिंदर जी, एक होर चीज़ इतने आती है जो कंपैरिजन की आप गल करते हैं, ये तो दुनिया भर जानी हुई चीज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के फार्मर्स नू गवर्नमेंट वालों सबसिडीज़ बहुत मिलती है, गवर्नमेंट का सहारा मिलता है अपने प्रोडक्ट नू अगे वेचन ले ओदी कीमत ले। इंडिया विच एहो जा मॉडल इस वेले इन्ने वड्डे लैवल ते सानू देखने नहीं मिल रहा, तुहानू की लगता है कि अगर जो ये कॉमेंट है कि इत्थे यूनाइटेड स्टेट्स के फार्मर्स नू इन्नी ज़्यादा सबसिडीज़ मिलती है कंपैरेटिवली इंडियन फार्मर्स नू लैके, इहदे बारे तुसी सानू की दस सकदे हो? अमेरिका दे विच जिन्ना कि मैं फार्मर्स नाल विचरिया इत्थे सबसिडीज़ नहीं हैगियां, इत्थे फार्मर नू फ्री बिजली नहीं दित्ती जांदी, इत्थे कोई भी फार्मर्स नू जांदा किसी साल घट भी जांदा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल थोड़ा थोड़ा वधदा है, पर इत्थे फार्मर नू फैसिलिटीज नहीं हैगियां। पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट फार्मर वास्ते जो कुछ कर रही है इट्स इनक्रेडिबल। गवर्नमेंट ने इन्ना वधिया सिस्टम तैयार किया हुआ फार्मर लई, मतलब उहदे विच ओह फार्मर नू हैल्प करदी है, पहलां तां इंटीग्रेट कर दिया सारे फार्मर्स इकट्ठा किया गया, फार्मर्स नू बकायदा एक प्लेटफॉर्म दिता भी वो इकट्ठे होकर एक थान पर मीटिंग कर सकन, फिर वो फार्मर इकट्ठे होंदे आ, वो फार्मर इकट्ठे होकर वो फार्मर डिसाइड कि केड़े केड़े कानून गवर्नमेंट के होने चाहिए जेडे कि उन्होंने हैल्प करनगे। इसके उल्ट इंडिया उल्ट है, इंडिया फार्मर नू पुछया भी नहीं जाता कानून बनाने लग गए। मैं देख रहा सी पंजाब मंडी बोर्ड की जिहड़ी मैंबरशिप हैगी है उहदे विच 10 मैंबर ने, 10 दे 10 गवर्नमेंट दे रिप्रेजेंटेटिव ने, इत्थे जे 10 मैंबरां दी इक कमेटी हुंदी है उहदे विच 8 फार्मर हुंदे आ ते 2 गवर्नमेंट दे रिप्रेजेंटेटिव हुंदे आ, इदां दा फर्क है। सो प्लस ये हो गया जदों इक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिंदे आ, फिर उहनां नूं रिसर्च करके दिंदे आ भी तुसीं किदां दी किहड़ियां वैरायटियां ग्रो करो, किस एरिए च की ग्रो करना, उहनां नूं सारी उह पिछों जिहड़ी फीडबैक मिलदी है वो एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ा नैटवर्क है। फिर गवर्नमेंट इन्हों फंड्स दी है इन फार्मर ग्रुप्स नू, कमोडिटी ग्रुप्स नू, ताकि वो अपना जिहड़ा प्रोड्यूस है वो से जाके वक्खो वक्खरे कंट्रियां च किदां मार्केट करन, जिहड़े मार्केटिंग फेयर्स हुंदे दूजे कंट्रियां च वो फार्मर्स नू नाल लेके जांदी है, उत्थे इत्थे इशू इंटरस्ट लोन ने गवर्नमेंट वो दिंदी है। कितें कितें जदों लैट्स से जिमें हुण ट्रंप ने डिसीजन ले सीगे, काफ़ी बैड डिसीजन सी जिहदे विच फार्मर्स नू काफ़ी लॉस होया, एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी खराब हो गई सी, फिर इत्थे ट्रंप ने पर एकड़ दे हिसाब नाल पर कमोडिटी कुछ फार्मर्स नू फंड्स भी दित्ते सीगे, पर ऑनेस्टली इत्थे फार्मर इन्ना कंपीटिटिव हैगा, वो इन्ना क्वालिटी प्रोड्यूस तैयार करदा, उहदा प्रोड्यूस दुनिया च किते भी हस के वेखदा, उहनू गवर्नमेंट वल्लों किसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लोड़ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਟੈਸ਼ੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਵਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ? USDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ,
रेजन की डिमांड घटती जा रही है वर्ल्ड लैवल से। लोग की कर रहे हैं हम रेजन पुल करके पिस्टैशियो लेके आ रहे हैं। ईरान दे ईरान वर्ल्ड लीडर से पिस्टैशियोज दे विच, पर अज की डेट कैलीफोर्निया पिस्टैशियोज का वर्ल्ड लीडर है। सो इन जो भी जिम्मे दस रहे हो फ्लैक्सीबिलिटी है, पर इस दूर अंदेशी है, विजन है इन्होंने को, इन्होंने पता है कि अगे की हो रहा है। इन्होंने USDA की एक होर एजेंसी है फॉरन एग सर्विसिज। USDA का हरेक देश में हरेक एम्बेसी बंदा बैठा है जोड़ा उन्होंने प्रॉपर जिमें जिमें भी कोई चेंजस होंगे है उत्थे डिमांड जी क्रिएट हो रही है घट रही है इन्हों रिपोर्ट्स नाल दी नाल मिल रही हैं। ईवन जी ऑर्डिनेंस वाली रिपोर्ट है ये भी मैं जो सा USDA का बंदा दिल्ली बैठा वो रिपोर्ट के मैं सब तो पहले पता लग गया। सो USDA का नैटवर्क है, USA गवर्नमेंट का नैटवर्क है जोड़ा कि सारी दुनिया फैला हुआ, वो पैसा खर्चते हैं इन्होंने चीज़ों पर, वो आपके फार्मर को सपोर्ट करने इस लैवल तक जाते हैं भी फार्मर विजन देंगे। फार्मर पहला पता होंगे आने वाले टाइम की हो रहा उनकी चेंजेस करने की लड़ है। जी पुष्पिंदर जी, मैं थोड़े जे सवाल तुहाडे तो ये पूछना चाहवांगी कि अगर आप दूजी साइड तो इन बिल्स नू डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये बिल्स पॉजिटिव हो सकते हैं इंडियन किसानों लिए, पंजाब के फार्मर्स लिए। इतने एक छोटी जी ब्रेक ले रुकते हैं, तुसी बिल्कुल इस तरह साइड नाल बने रहो, व्यूअर्स तुसी भी जुड़े रहो, मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत है, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा, गल हो रही है किसानों का की बनूगा इन नवे इंडियन फार्म बिल्स नू लैके। तो जिथे ये इंडियन फार्म बिल्स नू कहा जाता है कि ये US मॉडल नू फॉलो कर रहे हैं, उत्थे एक US एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दे नाल गल हो रही है। एक बार फिर मैं सॉल्व करना चाहूँगी पुष्पिंदर जी नू, पुष्पिंदर पात्रा जी सानू ज्वाइन करे कैलीफोर्निया तो। पुष्पिंदर जी, तुहाडे 15 साल तो वध तुसी यूनाइटेड स्टेट्स दे फैडरल स्टेट ते काउंटी वक वक अहुदेयां ते तुसी इत्थे दी एग्रीकल्चर फार्मिंग इंडस्ट्री एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ते वेखी है किस तरह ये सिस्टम बनया होया, किस तरह ये ऑर्गेनाइज करके किस तरह इत्थे दे फार्मर्स नू ये सपोर्ट करदा है, भावें वह जुडिशल तौर तो होए कि अगर कोई तुसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वह कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होया तो तुहानू कोर्ट सपोर्ट कर दी, भावें वह सबसिडीज़ होन, भावें वह मार्केटिंग हो, जिस तरह तुसी कह रहे हो कि ग्लोबल तौर पर अमेरिकन फार्मर कंपैटिटिव हैगा, उन्होंने कोल जानकारी हुंदी है मिनट बाय मिनट कि कित्थे की हो रहा है। उत्थे ये इस वेले इंडियन फार्मर की असलियत नहीं हैगी, उन्हां दी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, बट कुछ तुसी कह लो जो इन बिल्स दे सपोर्टर्स हन उन्हां दा कहना है कि इन बिल्स दे नाल इंडियन फार्मर भी उस तरह दे लैवल तक पहुँच सकता है जिस तरह अज दी डेट विच अमेरिकन फार्मर हैगा। तुहानू लगता है कि ये जो बिल्स हन कोई लोंग टर्म सिनेरियो इस तरह दा हैगा जिथे ये सक्सैसफुल हो सकते हैं, जिथे एक इंडियन किसान, एक पंजाबी, एक हरियाणवी किसान लई कोई वैल्यू, कोई कंपैटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं? देखो जी, मैनू पंजाब के किसान ते हरियाणा के किसान ते अपने इंडिया के किसान ते मैनू पूरा भरोसा वो किसी भी तरह की हनेरी झल सकते। सो ये उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये होना तो हैगा, हुण ना होगा 5 साल बाद हो जूगा, अल्टीमेटली कैपीटलिज्म ने आना। सो दे नीड टू प्रिपेयर दैमसेल्व। सो वट इट इज, मैं हम जे कंपेरिजन करिए अमेरिका दे विच, कैलीफोर्निया दे विच एक फार्मर को घटो घट 350 एकड़ होंगे, जी USA दे लैवल दे वेखिए तो 450 एकड़ होंगे, तो पंजाब दे विच एक फार्मर को एवरेज 5 एकड़ है। सो वो 5 एकड़ वाला फार्मर, दिस इज ट्रू। सो उन्होंने की करना चाहना, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना सिस्टम जे वह कट्ठे हो जाए, कोऑपरेटिव फार्मर फार्मिंग सिस्टम हैगा उत्थे, जे उहदे विच उह सारे इकट्ठे हो के एक चुनन, उन्होंने अगे लाउन। सो इनस्टैड ऑफ वह 2 एकड़ के बारे सोच रहे हैं, वह 5000 एकड़ बारे सोचन, जो इकट्ठे होकर सोचणगे फिर वो एक प्लैनिंग कर सकते हैं, वो नवी क्रॉप्स लिया सकते हैं, वो उन्होंने क्लीन करना, सॉर्ट करना, पैक करना, ये सारी मशीनरी उत्थे लिया सकते हैं। फिर उन्होंने जिथे हम 2000 ट्रैक्टर की लड़ नहीं पैनी, उन्होंने 20 ट्रैक्टर नाल सर जाना। सो उन्होंने थोड़ा जा अपना सिस्टम इस तरीके चेंज करना पैना ता कि वह इतों के फार्मर वांगू एज ए ग्रुप सोचना शुरू कर दे। जो इदा सोचेंगे उन्हां कोल एक वड्डी पावर होगी, उन्होंने फिर कमीशन एजेंट नूं कमीशन नहीं देना पैना, उन्होंने फिर सेल्स एजेंट हायर करने की लड़ है, उन्होंने ब्रोकर हायर करने की लड़ है जिहड़े कि
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2000 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2500 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਟੁਗੈਦਰ। जी पुष्पिंदर जी, तुसी प्राइसिंग दी गल कीती है, इस वेले ये भी कहना है कि अगर प्राइसिंग पंजाब विच प्रोड्यूस दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दी वधदी है, ओदी कॉस्ट अल्टीमेटली उस किसान ते ही पैनी है, वर्सेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स अगर इत्थे प्रोड्यूस दी कॉस्ट वधदी है, जिस तरह तुसी सानू दस्या है इत्थे दे मेन जो एग्रीकल्चर दे खरीदन वाले है वो एवरेज अमेरिकन नहीं है, वो इंटरनेशनल बैठे हुए है। सो अगर ये प्राइस अगर कैपिटलिज्म काम करदी है जिस तरह इन बिल्स ने वादा किया है, ओदा प्राइस जाके फिर किसान लई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करूगा? ओके, जे तां किसान इकट्ठे नहीं हुंदे फिर तां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जदों एक वड्डा प्लेयर उत्थे आ गया उन्हें किसान नैगोशिएट करना, तो एक दो एकड़ वाला पांच एकड़ वाला किसान की नैगोशिएट करेगा? उन्हें तो जो भी उस वड्डे बायर ने कहना उन्हें सुननी पैनी है। पर जे किसान इकट्ठे ने उन्हें को आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैगी है, कोल्ड स्टोर्स है, फिर वो उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी कमोडिटी लिए काम करता, जो प्रोड्यूस नवा नवा मार्केट चाहता वो ग्लट च हुंदा, उसकी प्राइस हमेशा घट हुंदी है। जो जिवें जिवें सीजन डाउन होना शुरू हुंदा फिर उसकी प्राइस उपर जानी शुरू हुंदी है। सो जे उन्होंने स्टोर किया हुआ जिन्ना कु कर सकते हैं रिसर्च के हिसाब न, फिर वो जो सीजन के मिड च आ जाते हैं फिर उन्होंने गुड प्राइस मिलने शुरू हो जाते हैं। सो इतने भी फार्मर जो बड़े फार्मर ने वो इदा दट्रैटीज बनाते हैं, जिमें इतने ओमड आ, ओमड एक साल लिए स्टोर कर सकते हो। सो जो इतने व्डिया पैकिंग कंपनियां ने कई बार पूरा पूरा साल ओमड स्टोर कर दिया, जो हम फ्रैश मार्केट क्रॉप आई भी है मार्केट चो एकदम नहीं कढ़ दे, जिमें जिमें प्राइस मेनटेन रखने लेटर स्टेज पर मिडल ऑफ द सीजन एंड ऑफ द सीजन जाके कढ़ते हैं, दूजी क्रॉप आने तो पहली क्रॉप कढ़ देंगे। सो दैट्स हाउ दे मैनेज इट, बट इट इज़ ओनली पॉसीबल जो वड्डे लैवल पर काम कर रहे हैं। जे छोटे लैवल पर किसान उवें ही चलाऊगा काम फिर तो वो एक्सप्लोइटेशन ही होगी। जी पुष्पिंदर जी, तुसी साडे नाल इन्नी ज़्यादा जानकारी शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं जानते हैं तुहाडे तो आई गैस यही पूछना चाहवागी कि ये जो बिल्स हैं काफ़ी इन्हों के खिलाफ सानू वक वक आर्ग्यूमेंट सुनने नू मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों दे विच, कोई इस तरह का सिनेरियो हैगा तुसी यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे नाल वाकिफ हो, इन्ने साल तुसी जुड़े हुए हो, कोई सिनेरियो है जिहदे नाल ए बिल्स इंडिया दे विच सक्सेसफुल ना कि सिर्फ होन बट इंडिया दे जो फार्मर हैगा एक यूनाइटेड स्टेट्स फार्मर दे नाल कंपेटिटिव हो सकदा है? कोई पॉजिटिव सिनेरियो इत्थे, कोई सिल्वर लाइनिंग जिद्दां आपां कहिंदे आ? देयर इज़ ओनली पॉसिबिलिटी भी ये चीज़ां किसान लई वर्क करन जे अपनी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी पूरी करे, किसान नूं उहदा जस्टिस टाइम ते मिले, जे उहनूं ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है तो कंपनी उन्हें पैसे नहीं दे रही, जे गवर्नमेंट इंटरस्ट लेके उन्हें टाइम से पैसे दवाऊगी फिर किसान कामयाब हो जाएगा। जे गवर्नमेंट होल्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हम बड़िया कंपनियां ने उन्होंने बाय करके समान होल्ड भी करना प्राइस बढ़ा के बेचने, जे गवर्नमेंट वो होल्डिंग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्टैप वधाने लई चीज होल्ड नहीं कर सकते, जे गवर्नमेंट ये स्टैप चुकूगी किसान फायदे च रहूगा। तो कुछ चीज़ें इदा दी है जो गवर्नमेंट नूं आपदे बेस ते स्टैप चुकने पैने है ताइयो किसान बचूगा। जे गवर्नमेंट हुण वांगू चलदा रहा, टाइम ते जस्टिस ना मिलिया, लोकां बेचारां नूं पैसे लैण लई अदालतां दे गेड़े कढ़ने पए, ते जदों प्याज दे रेट जिवें वधदे जे इदां ही वधदे रहे तां अल्टीमेटली किसान भी दुखी होगा, कंज्यूमर भी दुखी होगा। सो गवर्नमेंट नहीं कुछ जी। पुष्पिंदर जी, लगता है कि जिथे लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्स का एक बेनीफिट हो सकता है कि इंडिया का किसान अमेरिका के किसान के लैवल पर पहुँचूगा, पहले इंडिया की गवर्नमेंट को अमेरिका की गवर्नमेंट के लैवल पर पहुँचना पैना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पुष्पिंदर पात्रा जी, तुसी साडे नाल जुड़े, इन्नी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बारे जानकारी साडे नाल शेयर की, तो किस तरह अगर ये बिल्स सक्सैसफुल हो सकते की कुछ चेंजेस ले आने पैने गवर्नमेंट वालों इंडिया के। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस, सत श्री अकाल। थैंक यू, धन्यवाद। पुष्पिंदर जी ने हुने सानू दस्या किस तरह
यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विच ए पॉलिसीज इस वेले लागू हैं, ये चीज़ इंडिया विच अप्लाई हो भी सकती है या नहीं, ये बारे गल करांगे। ब्रेक तो उस पार साडे नाल जुड़ रहे हैं गैसट पंजाब तो इस चीज़ से विशाकरण लई। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत है, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। गल हो रही है फार्मिंग बिल्स दी, जो इंडिया विच इन्नी वड्डी चर्चा क्रिएट कर रहे कॉन्ट्रोवर्सी, की होएगा पंजाब दे किसानों दा इन बिल्स नू लैके, खास करके अगर तुसी यूनाइटेड स्टेट्स विच सानू वेख रहे हो। ये बहुत सुनन नू मिल रहा है दैट ये बिल्स इंडिया दे किसानों नू अमेरिका दे लेवल ते लियान दी कोशिश कर रहे है। आपां ये परस्पेक्टिव तां सुनिया कि अमेरिका दे सिस्टम विच इत्थे दे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विच की कुछ सहूलतां हैगियां किसानां लई, किस तरह वो ग्लोबल मार्केट दे विच कंपीट करदे है, किस तरह उन्हां नूं इत्थे प्रोटैक्शन हैगी, भावें वह कॉन्ट्रैक्ट्स दे वल्लों होए, भावें वह जुडिशियल साइड तो होए, बट इंडिया विच ग्राउंड लैवल ते इस चीज़ नू हासिल करना मामुमकिन भी हैगा या नहीं, इस चीज़ नू आपां हुण डिस्कस करांगे। साडे इस्टीम्ड गैस्ट दे नाल सानू जॉइन कर रहे पंजाब तो, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर ज्ञान सिंह, फॉर्मर प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो डॉक्टर साहब तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, शुक्रिया बेटे जी। सब तो पहले डॉक्टर ज्ञान जी, तुसी साडे नाल जुड़े, टाइम कट के थैंक यू सो मच। जो तुहाडा आपां कह सकते हैं एक यूनीक एक्सपीरियंस हैगा एक यू नो एग्रीकल्चर किसानों नू लैके, खास करके पंजाब दे इकोनॉमिक सिचुएशन नू लैके, उस चीज़ दे बारे थोड़ी जी आपां जानकारी तुहाडे तों लैना चाहवांगे। सर, इस जो ये फार्मिंग बिल्स दी सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, NRI जो साडे पंजाबी इत्थे यूनाइटेड स्टेट्स विच वसदे है, उन्होंने ये भी एक पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है कि ये बिल्स अपने पंजाब ते हरियाणा दे किसानों नू अमेरिका ते लेवल तक लैके आएंगे, ये तुहानू किन्नी सच्चाई लगती है? बेटा गल ये है कि तिने बिल थोड़ी देर बाद पॉसिबिलिटी है कि एक्ट बन जाने ने, फिर साडा कानून बन जूगा। जिहड़ा ये क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिकन फार्मर्स वर्गे इत्थों दे फार्मर्स नूं बना दूगा, सानूं ये समझने की लोड़ है किहड़े अमेरिकन फार्मर्स, कारपोरेशन जां इत्थे भी जिहड़े बेचारे जे फार्मर ने उह, जिन्ना क मैं इस सबजैक्ट नूं समझदा इन्हां ऑर्डीनेंस ते बिल्स नूं पढ़िया हैगा, उह चों मैनूं लगदा है कि यह ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਦਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ED ਜਾਂ ABC ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ PR ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਮਾਣ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਬੇਟੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ 11 ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ 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 ਆਸਪੈਕਟ
एक गल जी एक रिकमेंडेशन है वह सिर्फ एक छोटा जा आस्पैक्ट मैं पॉजिटिव लग्या वो सी कि जो प्रवासी मजदूर बिहार तो उत्तर प्रदेश तो पंजाब खेतीबाड़ी सैक्टर ज अर्बन सैक्टर आते हैं काम करने उन्होंने इतने बना के रिहायश दी जाए घर दिते जा पर उस रिकमेंडेशन की भी जी नैगेटिव प्रॉब्लम है वह यह हैगी कि जेडे इतने साढ़े सदियों तो हजार सालों तो मजदूर रह रहे हैं खास करके दलित मजदूर ने उन्होंने को भी बहुत घर यह जिन्हें को बिल्कुल बहुत परिवार है जिन्होंने घर नहीं ज कच्चे घर च ने कच्चे पक्के घर च ने बहुत गंदिया बासिया च ने पहल तो उन्होंने होनी चाहिए कि उन्होंने भी घर हो बाकी जिन्हिया रिकमेंडेशन ने वह सारिया रिकमेंडेशन जिहड़ियां हैगियां ना पंजाब के हक च ने ना पंजाब के लोगों के हक च ने ना इतों के समाज के हक जी डॉक्टर साहब आप थोड़ी जी हूँ गल करते हैं सबसिडीज़ बारे इत्थे ये भी एक बहुत वड्डी डिस्कशन पॉइंट बन रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स विच फार्मर्स नू सबसिडीज़ किस तरह दित्तियां जांदियां ते जो अपने इंडियन फार्मर्स हन उन्हां नू किस लैवल ते गवर्नमेंट सबसिडाइज कर रही है खास करके इन बिल्स नू लैके करंट सिचुएशन की हैगी एक इंडियन फार्मर नू पंजाब दे किसान नू गवर्नमेंट वल्लों किन्नी सबसिडी मिलती है देखो इन ऑर्डिनेंस दे पास होने तो बाद उस तो बाद 11 जून नू साडे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिता कि इंडिया दे विच एग्रीकल्चर कमोडिटी दी जिहड़ी MSP है वो डोमैसटिक दे इंटरनेशनल प्राइसिस नालों बहुत ज़्यादा है जिहड़ी कि साडी इकोनमी लई खतरा है पर शायद वह भुल गए कि अमेरिका जां अमेरिका वर्गे हाईली डिवेलप कंट्री जिहड़े हैगे उत्थे किसानों को किन्नी सबसिडी मिलती है तो इंडिया वाले किसानों को किन्नी सबसिडी मिलती है जिहड़े लेटेस्ट अंकड़े मैनू अवेलेबल ने उन्होंने अनुसार एक इंडियन फार्मर नू 379 US डॉलर सबसिडी मिलती है पर एनम जदों के अमेरिका च 59,000 प्लस सबसिडी है इसलिए जिहड़ी अमेरिकन फूड प्राइसिस है वह नैचुरली सबसिडाइज हुई हुई ने कितने 69,000 कितने 400 तो भी घट डालर ने ते इस करके वह जिहड़ा हैगा उत्थों दा फार्मर है वह इत्थों दे रैलेटिवली सौखा है पर खास करके कारपोरेट फार्मर है जिहड़ा जी डॉक्टर साहब थोड़ी जी मैं थोड़े नाल फूड शॉर्टेजेस बारे भी गल करना चाहती हूँ बिकॉज जो इस वेले माहौल डिवेलप हो रहा है ओदे राही किस तरह की फूड शॉर्टेजेस खास करके कोविड चल रही है सानू वेखन नू मिल रही है बट ये जो बिल्स हन तुसी की एंटीसिपेट करते हो अगर ये बिल्स कानून बनते हैं किस तरह की फूड शॉर्टेज की समस्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं देखो ये बिल तो तिने बन गए दो बिल दोनों साढ़े सदन ने जोड़े लोग सभा तो राज्यसभा पास हो गए तीजा ये अज भड़क पास होजूगा तो ये एक्ट बन जाएंगे जो राष्ट्रपति ने साइन करते जी फूड शॉर्टेज वाली गल है इतने संखेप के सू हिस्टरी जाना पेगा सैकेंड 5-year प्लान के साडे देश की सरकार ने टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट दिती एग्रीकल्चर सैक्टर पिछे पाया साढ़े फूड शॉर्टेज आई 1964 तो लैके 66 तक 2 साल भारत च बहुत ही जगह सोका पिया साढ़े जी फूड शॉर्टेज से एक्यूट हुई उस तो बाद साढ़े देश की जी केंद्र सरकार है उन्हें बाहरले देशों अगे ठूठा फट के अनाज मंगाने की कोशिश की अखीर ते जाके तुहाडे देश अमरीका तो PL 480 अंडर इहदियां शर्तां मनते हुए असी अनाज मंगवाया अते उहदी बहुत ज़्यादा कीमत साढ़े देश की सरकार नू समाज नू तारनी पई उस तो बाद फिर जाके न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाने वो सक्सैसफुल होंगी है तो फूड साड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़िया ने वो अगली गल हैगी पर हुण जे तिने बिल एक्ट बन के जिस तरह के इन स्पेल्ट है लागू कर दिते जाते हैं तो ये ना कारपोरेट फार्मिंग की जी हैगी एसटैबलिशमेंट वो एक्सटेंशन होगी जी कारपोरेट फार्मिंग है वह ए फूड शॉर्टेज आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हैगी कारण की है कि जिहड़े साडे ए फार्मर ने अज वाले यह केंद्र सरकार की MSP दे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी करके देश लई कणक चावल प्रोड्यूस करते हैं पर जिहड़े कारपोरेट फार्मिंग होणगे जां कारपोरेशन आउणगियां उह तां उह फसलां बीजणगियां जिन्हां की इंटरनेशनल मार्केट 'च डिमांड है अज भी जिथे कि थोड़ा बहुत इस तरह की कैपिटलिस्ट लाइन से प्रोडक्शन हैगी उह तां गुआरे दियां फलियां बीजते हैं गुआरा साढ़े खाने वाली चीज़ नहीं हैगी क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है इसलिए चाहे नसुकड़ा हो चाहे गुआरा हो चाहे कोई चीज़ होर हो
ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋ ਵਿਜਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਿਊਟ ਫੋਰਟ 1960 ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਟ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 44 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ 1971 ਦੀ ਸੈਂਸਸ 'ਚ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 135 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨ ਥਰੂ ਕਾਰਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਰੂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਟਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੀਟੇਲਸ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਏ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1971 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ LPG ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਜੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਟਰੂਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲੂਜਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 2-5% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ? ਆਈ ਮੀਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲਿੱਤੀ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ
की फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह तुसी कह रहे हो जो ये फार्मर्स हैं उन्होंने कोल एजुकेशन की कमी है, उन्होंने कोल रिसोर्स की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, इस वेले उन्होंने कोल हर एक चीज़ की कमी है, पोलिटिकल सिस्टम का की रोल बनता है इस सिचुएशन दे विच? पहली गल तो यह बेटे मैं पहला कह चुके हैं कि 1999 तो बाद जिन्नियां सरकारां साडे देश च बणियां ने, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर सी, उस तो बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साडे प्राइम मिनिस्टर सी, वाजपेई साडे प्राइम मिनिस्टर सी, फिर जिहड़ा यूपीए एनडीए जिहड़ा हैगा सारा, ये दोनों जिन्ने मतलब मोदी तक सारे साडे प्राइम मिनिस्टर ने, तो सारे सारे ये है कि जोर मार रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी असी कारपोरेट इकोनॉमिक मॉडल नूं वड्डे पद्धर ते अपना लईए। पर साडा कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिथे रिसोर्स की घाट है, पॉवर्टी है, उहदे नाल रिलेटड सैकड़े प्रॉब्लम ने, ते जे अज वाले तिने ऑर्डीनेंस बिल्स जिहड़े एक्ट बन जा रहे उहदे संबंध वख-वख पॉलिटिकल पार्टी का रोल देखना होवे तां एक दूजे ते चिक्कड़ सिट रहे ते अपने आप नूं पवित्र अते वड्डा दिखा रहे ने कि असीं उह किसानां दे मसीहे हैगे। पर जे पंजाब दे संबंध देखा जावे इत्थे तीन मेन पोलीटिकल पार्टी ने, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी ते कांग्रेस। जिहड़े बीजेपी है वह तो एनडीए की मेन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वह तो ये ऑर्डीनेंस लैके आए ने, बिल बना रहे ने, ते एक्ट बनाउणगे ते उन्होंने लागू करने लई बहुत तत्पर ने कि जिन्ना जल्दी से जल्दी लागू करना है। तो दूजा श्रोमणी अकाली दल है वह एनडीए का पार्ट है हले भी, पर एनडीए दे विच एक उन्होंने मिनिस्टर भी सी हरसिमरत कौर बादल, तो वह ये सपोर्ट भी करते, पहले उन्होंने बिल चंगे भी लाते थे। जब उन्होंने पंजाब के किसानों का विरोध वड्डे लैवल से देखा तो उन्होंने अपनी राजसी गिनती मिनती की, वो अपना स्टैंड बदल गए, हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा हो गया, तो उन्होंने ये खिलाफ पार्लीमेंट बयान दिते तो अपनियां वोटां पाईआं। तो नाल नाल जे देखा जाए कांग्रेस का, कांग्रेस इहदा विरोध कर रही है, पर हिस्टोरिकली कांग्रेस भी इन्हां बिलां नूं लिआउण वाली है, इस मॉडल नूं लिआउण वाली है, बीजेपी उन्हूं तेजी नाल लिआ रही है, अकाली दल विच विचाले घूम रहा है, किसे मौके संघी ढांचे की वकालत करदा हुंदा सी फैडरल सैटअप की, अज वो संघी ढांचे तोड़न वाले तीन बिल जां वीक करन वाले बिल उन्होंने सिग्नेटरी भी सी, क्योंकि पहला वो किया बाद चो सपोर्ट भी करते रहे, अखीर ते हुण देख के लोगों का विरोध उन्होंने नाल ने। सो साडी जिहड़ी पोलीटिकल पार्टियां ने इंडिया दीआं खास करके पंजाब दे संबंध च, वो अपने राजसी गिनती मिनती करते हैं, वादे दावे तो मुड़ के नवे वादे करके लोगों की ये मन के कि उनकी मैमरी शॉर्ट है, ये आपका जोड़ा हैगा ये राजसी चूल्हा बलदा रखने की कोशिश करते हैं, पर लोगों का विरोध बहुत बड़े लैवल पर हैगा। जे मैं पंजाब देख रहा इन्होंने तिकड़मां नूं समझते हुए पंजाब पहली बारी है कि पंजाब दीआं किसान ते खेत मजदूर जथेबंदियां इस लैवल पर इकट्ठिया होकर संघर्ष वल आ रही ने। पंजाब दो तरह दे खेत किसान जथेबंदियां ने, एक लैफ्ट वालियां ने, एक राइट वालियां ने, वो कदे भी अज तक हिस्टोरिकली इकट्ठे नहीं आ, पर हुण 31 जिहड़ियां फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने वो इस प्रोग्राम से इकट्ठिया होकर स्ट्रगल कर रही ने, ते 25 का वो जिहड़ा बंद है वड्डे लैवल पर उन्हूं सक्सैसफुल बनाउण लई अगेन, ते कई जगह पंजाब च पक्के धरने भी उन्होंने लाते ने, ते इकट्ठे होकर सारे पासे चल रहे हैं। जी सर, तुसी सानू पॉलिटिकल साइड ते थोड़ी जी जानकारी शेयर की सर नाल, मैं हुण इत्थे पुछना चाहवांगी सोसाइटी दा इत्थे बहुत वड्डा हाथ हैगा, खास करके जो साडे NRI पंजाबी बैठे हुए है जिन्हां ने अपनी तुसी कह लो पैसे भी देने है ते वोटा भी पानी है, उहनां लई की तुसी कहना चाहोगे इस मसले नू लैके की रोल बनता है एक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू तो साडा सारिआं दा इस मसले विच? बेटे NRI बारे मैनूं बहुते भुलेखे नहीं हैगे, ये NRI दो तरह दे ने, एक ओ NRI ने जिन्हां नूं आपदीआं जड़ां दा बहुत फिकर है, वह आपदी नेक कमाई चों जिन्ना हिस्सा पॉसीबल है वह आपदीआं जड़ां वल ते जिथे बैठे ने उस देश दे आम लोकां वल भी ला रहे ने, पर कुछ साडे NRI जिहड़े इत्थे आए ये कारोबार च आ गए ते आपदिआं नाल ठगियां ला ला के आपदी उह लेबर नूं आपदे इंडिया दा बच्चिआं नूं लेबर ते रख के उहनां तनखाहां दब के उहनां पैसा दब के आपदे कारोबार नूं वड्डा करदे रहे, उहनां दा अमरवेल वाला रोल भी उह आपदिआं नूं भी खांदे ने। पर मैं उहनां नूं इक पासे छड्ड दिंदा, जिहड़े चंगे NRI ने उहनां दा बहुत वधिआ रोल है, उह पंजाब च उहनां ने बहुत कुछ कीता है ते बहुत कुछ कर सकदे ने, उन्होंने पब्लिक ओपीनियन बनाने की लड़ है कि साड़िया जड़ा जिंदा रहन, जे जड़ा जिंदा रहनगियां
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਫੋਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ, ਐਂਟੀ ਰੂਰਲ ਆਰਟੀਜ਼ਨਸ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ, ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਜ, ਇਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਊਗਾ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫੋਰਮਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।